सबसे बड़ा बिल्डिंग ये जो है रिलायंस कंपनी ने बनाया है सबसे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, मेरा फिर से एक ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी मालिक का घर के बगल में, मैं जा रहा हूँ आज ऋषिथंग, तो देखता हूँ गाड़ी मिलता है कि नहीं। तो बाइक रखा हुआ है, देख पा रहे हैं, तो मालिक कह रहा था मैं प्राइवेट गाड़ी रोक दूंगा, तो टैक्सी मिल गया तो टैक्सी में चले जाएंगे। क्या है, 50-100 रुपया लेगा किराया, उससे ज़्यादा क्या लेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं इधर। तो गाइस, गैंगटॉक आके पहुंच चुके हैं, तो बाजरा में गाड़ी में उतर गए, तो अभी चलते हैं एमजी मार्ट। थोड़ा पैदल ही चलते हैं क्योंकि चलने से थोड़ा सा अच्छा होगा ना भाई। सुबह सिर्फ चाय पिया था, मालिक कह रहा था कि नाश्ता करके जाओ, तो मैंने कहा कि सर नाश्ता कर लिया तो फिर लेट हो गया तो गाड़ी नहीं मिलेगा, और 9-10 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलता ना गाइस इधर, इसीलिए तो अभी चलते हैं एमजी मार्क, वहाँ पर जाके कुछ खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं ना हम लोग, तो भाई देसी स्टाइल में नाश्ता बोलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो होगा दिखा जाएगा। ठीक है, हाँ चलो पहले एमजी मार्ग पहुँचते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुराने। गाइस, एमजी मार्ग आके पहुँच चुके हैं, गांधी जी के बगल में। तो यहाँ पे हम लोग का सिक्किम का सबसे बड़ा फ्लैग है इंडिया का, तो देख पा रहे हैं ये है एमजी मार्क, जबरदस्त है। और अभी मैं एमजी मार्क में आके पहुँचता हूँ, पैदल ही आया गया, अभी पैदल आया तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लग गया ना, अभी जाके खाना है पूरी वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं गाइस। खाओ ब्रो, पूरी लगाओ, पूरी का ऑर्डर दिया था ना, तो पूरी आ गया गरम गरम। चाय पूरी हो गया, तो अभी थोड़ा बहुत इधर घूम घूम के फिर मेरे को पहुँचना है ऋषिथंग, तो वहाँ पे भी पहुँचना है, तो पहले इधर दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग बापू के बगल में आके बैठे हैं, ये है गांधी जी। गाइस, पूरा काम तो कंप्लीट हो गया, तो अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत दाढ़ी उड़ी बना के मस्त थोड़ा अच्छी फेस बन जाते हैं ना, फेस बनने के बाद फिर क्या होगा दिखा जाएगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ सिक्किम का सबसे बड़ा बिल्डिंग, ये जो है रिलायंस कंपनी ने बनाया है सबसे बड़ा बिल्डिंग, और ये महल भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसका नाम जो गाइस है देख पा रहे वेस्ट पॉइंट है, ये देख पा रहे कितना शानदार ज़बरदस्त है महल है। और गाइस, ये जो है पीछे के साइड में आप देखेंगे ना तो बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखता है, लेकिन आगे में उतना खास दिखता नहीं, लेकिन है ज़बरदस्त। और ये जो है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी काम चल रहा देख पा रहे, और ये महल ही है, तो जिस टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना गाइस, तो उस टाइम पूरा एकदम एक मस्त वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो एक सिनेमेटिक दिखा देता हूँ।
100 से भी ज़्यादा, 100 तो सॉरी नहीं, मतलब 25-30 से भी ज़्यादा रील्स बना लिए, और रील्स इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होगा और यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। तो गाइस सिर्फ यूट्यूब पे ब्लॉग अपलोड होगा और सब जो भी जितना भी बनाऊंगा ना सब अपलोड होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह अपलोड होगा। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो, इतना मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए, मोनिटाइज करा दो यार प्लीज़। सुबह डॉलर ही डॉलर होगा, अब क्यों मतलब पैसा ही पैसा बोलो, पैसा ही पैसा होगा। तो गाइस अभी चलते हैं की तरफ, मुझे ऋषि खान का गाड़ी मिल जाएगा जरूर से आपको, वहाँ पे जाके बात कर लेते हैं मिल जाएगी ना, नहीं मिली से टैक्स में जाएंगे क्या भाई। तो चलो चलते हैं, ओके। अभी टाइम जो है गाइस 12 बजने वाला है, मैं खाना नहीं खाया, सुबह पूरी खाया आपने तो देखा ब्लॉग में, और उसके बाद खाया नहीं। तो चलिए अभी ऋषि खान में पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं खाने का बंदोबस्त है तो खा लेते, नहीं तो कोई बात नहीं, खाने से तो चले गाइस पेट भरा हुआ है। तो ठीक है, मिलते हैं, गाड़ी मिलता है कि नहीं वो बात कर लेते, ठीक है। गाड़ी मिल चुका है तो गाड़ी में बैठ गए, देख पा रहे हैं ये गाड़ी डायरेक्ट ऋषि धाम पहुँचेगा। तो गाइस मैं ऋषि धाम जा रहा था ना गाइस, तो मालिक फ़ोन करके मुझे कह रहा था कि तुम ऋषि धाम मत जाओ, तुम एक काम करो आके क्या करेगा फिर कल तो घर ही जाएगा, तो एक काम करो तुम डायरेक्ट घर ही चला जाओ। तो हमने कहा कि घर चला जाए, बोले हाँ ठीक है घर चला जाओ, इसीलिए मैंने गाड़ी से उतर गया। उतरने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ से टैक्सी लूँगा, डायरेक्ट जाऊँगा बाईपास, बाईपास से सिलीगुड़ी, ठीक है। मैं इधर बाईपास ट्रैफिक के नीचे रुका हूँ, यहाँ से गाड़ी मिलता है, स्टैंड में जाएंगे तो एक दो घंटा बैठा रहेगा, उसी में बैठ के निकल जाएंगे ना, क्योंकि टाइम भी नहीं है, बस 1:15 हो चुका है, तो देखते हैं कैसा गाड़ी मिलता है, उसी में बैठ के निकलेंगे सिलीगुड़ी, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग गाड़ी में बैठ के मैं निकल चुका हूँ सिलीगुड़ी के लिए, अभी हमको गाड़ी मिल चुका है, 1:45 बज चुका है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। हम लोग तो नहीं, मतलब मैं ही निकला हूँ, अकेला ड्राइवर है, गाड़ी खाली खाली और दादी सिलदम रामपुर में उतरेगा पता है। हम लोग अभी चल रहे हैं, ड्राइवर का नसीब आगे मिल गया तो बैठा लेंगे, नहीं मिला तो ऐसे निकल गए ऐसे ना खाली खाली। तो गाइस चलिए मिलते हैं आगे, अभी तो 2 बजने वाला है कम से कम, हम लोग रात को 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। इसमें अभी एसी वाला बस में बैठ चुका हूँ, तो यहाँ पे सीट नहीं है, सब ऐसे सो के जाने के लिए, ऊपर वाला भी सोना है नीचे वाला भी सोना है, तो देख पा रहे हैं मैं सो के जा रहा हूँ बस में बैठ रहा हूँ। तो टाइम जो है 9:30 बज चुका है, सॉरी 8:30 बज चुका है।